हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हों, और अगर अच्छे नहीं हैं तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो जाएं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ ये वीडियो मेरी बिल्कुल भी प्लान नहीं थी, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू सिट डाउन एंड टॉक टू यू गाइज रिगार्डिंग कि जब टफ टाइम मेरे ऊपर आता है तो हाउ आई डील विद इट एंड हाउ आई स्टे पॉजिटिव। क्योंकि राइट नाउ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। आप खुद सफ़र नहीं भी कर रहे हो ना, आपकी फैमिली सफ़र नहीं भी कर रही हो, तब भी आप जब न्यूज़ खोलकर देखते हैं इट्स जस्ट वेरी अपसेटिंग। बहुत बुरा फील होता है कि इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब चल रही है अभी, स्पेशली इन इंडिया बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, इट्स गेटिंग वर्स डे बाई डे। बट ये वीडियो में मैं आपको बुरा फील नहीं कराऊंगी टॉकिंग अबाउट क्या ख़राब चल रहा है, मैं आपको अच्छा फील कराना चाहती हूँ टॉकिंग अबाउट हम क्या कर सकते हैं थोड़ा अच्छा फील करने के लिए। सो आई हैव रिटन फ्यू पॉइंट्स जो मैं करती हूँ जब भी मुझे बुरा फील होता है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आस्क मी भाई हाउ यू स्टे सो पॉजिटिव ऑल द टाइम। सो नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जो देख कर लगता है कि आई स्टे पॉजिटिव ऑल द टाइम। नो, आई डोंट स्टे पॉजिटिव ऑल द टाइम। इवन मुझे एंजाइटी होती है, इवन मुझे डर लगता है, इवन मेरा मूड ख़राब होता है, लेकिन हाउ यू डील विद इट इज़ वॉट मेक्स डिफरेंस। और अगर आप खुद और अपने अपनों को एटलीस्ट उनका मूड ठीक रख पाएँ इस बुरे वक्त में, इस डिफ़िकल्ट टाइम में, तो डेफिनेटली इट विल मेक अ वेरी बिग डिफरेंस। सभी लोग अगर कुछ लोगों को भी हैप्पी रख पा रहे हैं ना, क्योंकि अगर आप हैप्पी रह रहे हैं तो डेफिनेटली आपके परिवार हैप्पी रहेगा, कुछ एटलीस्ट पॉजिटिव वाइब्स उनको भी मिलेंगी। तो धीरे धीरे कर ऐसे ही ना काफ़ी लोगों तक हमारी ये जो वाइब्स हैं वो फैलती चली जाएंगी। सबसे पहली चीज़ आपने जो करनी है इज स्विच ऑफ द टीवीज। अगर आपको न्यूज़ वगैरह देखने से एनजाइटी होती है, प्लीज़ न्यूज़ मत देखो, क्योंकि न्यूज़ किसी भी तरीके की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ कम्स फर्स्ट। और अगर आपको लगता है आपको एनजाइटी हो रही है न्यूज़ देखने से, क्योंकि पहले मैं न्यूज़ नहीं देख रही थी बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीज़न, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट कि मैं बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाऊँ। क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हो, सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल नहीं रहती है, आपको यहाँ से आप यू लूज इट, तो फर्स्ट थिंग कम्स कि आप अपना यहाँ से लूज ना करो एंड जस्ट ट्राई टू स्टे पॉजिटिव। डोंट वॉच न्यूज़ इफ़ इट अफेक्ट्स यू नेगेटिवली, प्लीज़ मत देखो न्यूज़ को, ठीक है। और सेकेंड थिंग इज़ प्लीज़ फॉलो दोज पीपल जो आपको इंस्पायर कर रहे हैं या जिनको देखकर आपको अच्छा फील हो रहा है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू फॉलो द पीपल जिनको आपको देखकर और बुरा फील हो रहा है, बिकॉज हम लोग एनीवे घरों में बंद हैं, ठीक है। स्पेशली इंडिया में तो बहुत तगड़ा लॉकडाउन चल रहा है अभी, घर पे हैं लोग, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको देखकर बाकी लोगों को ऐसा लग रहा है ना, ऐसा फील हो रहा है कि यार इनकी लाइफ बढ़िया है, हमारी लाइफ इतनी ख़राब है, तो फिर उन लोगों को फॉलो मत करो, इंक्लूडिंग मी। अगर आपको मुझे भी देखकर ऐसा लग रहा है, प्लीज़ डोंट फॉलो। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल मत देखो इस टाइम पर। फॉलो द पीपल जो आपको थोड़ा अच्छा फील करा रहे हैं, जिनसे आपको गुड वाइब्स मिल रही हैं, स्पेशली इन दिस टाइम, बिकॉज वी रियली नीड इट। अगर हम सब अच्छा फील करने लगे ना, तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ना एक दिन, मैंने अभी दो तीन दिन पहले आई थिंक मेरे फ़ोन पर भी कुछ ऐसी वीडियो आई थी, एक बंदी ने कोई वीडियो बनाई थी ऐसी कि उसको कोविड था एंड उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट वो क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करने लगी, लाइक शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ऑल द गुड थिंग्स एंड शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि क्या बेटर हो सकता है लाइफ में, एंड उसकी सिचुएशन इतनी ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुई है। शी लाइक आई डोंट इवन फील इट कि मुझे कोविड हुआ था, एंड मैं उससे अब कंप्लीटली बाहर आ गई हूँ, जबकि ऐसी सिचुएशन थी नहीं। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये बस पॉजिटिव थिंकिंग का असर है। और अपने आप पे जोर मत दो अगर आपको नहीं पता पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है। बस इतना सोचो कि यार मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगी, और मुझे डे टू डे, मतलब हर एक दिन का हिसाब रखो कि आज मुझे थोड़ा अच्छा निकालना है। उसके लिए जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, रूटीन बनाओ। रूटीन बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस टाइम पर। मतलब अगर आप घर पर भी हैं, अगर आपको कोई काम नहीं भी है, तब भी सुबह उठो, नहाओ, पूजा करो अगर आप पूजा करते हो, उस पर बिलीव करते हो तो, और उसके बाद अपना दिन का जो भी आपका रूटीन है उसको फॉलो करो। इवन आप अगर नहीं भी चाहते हो, इवन अगर आपका मूड खराब है, तब भी उन चीजों को फॉलो करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका एक रूटीन होगा ना, यू विल फील प्रोडक्टिव बाय द एंड ऑफ द डे। एटलीस्ट आपका नेक्स्ट डे खराब नहीं होगा, और आपको थोड़ा अच्छा फील होगा कि यार ठीक है, मैं एटलीस्ट जितना कर सकती हूं मैं उतना कर रही हूं, ठीक है। तो प्लीज डू दैट, एक रूटीन बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। माई नेक्स्ट पॉइंट इज एक हॉबी भी बना लो। हॉबी भी बनाना बहुत ज़रूरी है, किसी भी तरीके की हॉबी हो सकती है, कोई भी स्किल आप लर्न कर सकते हो इस टाइम पर। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लर्न एनी स्किल, क्योंकि अभी हम लोग घर पर हैं, हमारे पास बहुत सारा टाइम है, हम किसी भी चीज़ में अभी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो
कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है, आपको किसी तरीके की लैंग्वेज सीखनी है, आपको किसी तरीके का डांस सीखना है, कोई हैंड राइटिंग सीखनी है, एनीथिंग इट कुड बी, तो वो चीज़ में थोड़ा आप टाइम अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो इन्वेस्ट टाइम इन गुड थिंग्स लाइक दिस, ठीक है. एंड डोंट इन्वेस्ट टाइम्स इन द थिंग्स लाइक जो आपको थोड़ा एन्जाइटी दें, थोड़ा टेंशन दें, उनमें मत ध्यान लगाओ. इंस्टेड फोकस ऑन द थिंग्स जो आप सीख सकते हैं इस टाइम पर, ठीक है. एंड ट्रस्ट मी द वर्ल्ड विल गेट बेटर, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है. सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस आपको फोकस करना है ऑन द पॉजिटिव्स. प्लीज़ फोकस ऑन द पॉजिटिव्स. नेक्स्ट इज कि आपको किसी तरीके का वर्कआउट या मेडिटेशन भी करना है ना. अगर आपको मेडिटेशन सूट करता है, अगर आपको करना आता है, तो प्लीज़ डू मेडिटेशन. 10-15 मिनट ही सही, मॉर्निंग में उठते से ही करो, रात में सोने के पहले बेड पर लेटे लेटे ही कर लो, बैठे बैठे. लेकिन स्टार्ट मेडिटेशन, क्योंकि उससे आपको काफ़ी बैलेंस्ड फील होता है. यू फील लाइक कि आपकी लाइफ आपके अंडर कंट्रोल है, इट्स नॉट आउट ऑफ कंट्रोल, है ना. तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी ना. साथ में आप थोड़ा सा अगर वर्कआउट करें, किसी भी तरीके का, डांस कर लो या फिर वॉकिंग कर लो घर में, कुछ भी तरीके का आप वर्कआउट कर सकते हैं. अगर आप वो करते हैं तो डेफिनेटली उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा. बाय द एंड ऑफ द डे आपको ये फील होगा दैट आपने अपना पूरा रूटीन आपने सही चलाया. तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपकी लाइफ तो कैसी जा रही है, अजीब कुछ हो रहा है, यू नो, यू विल फील लाइक कि हाँ सब ठीक है. और धीरे धीरे कर टाइम से सब ठीक हो भी जाएगा, ठीक है. तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, बस आपने फोकस करना है किस चीज़ पर, आज पर. आज पर फोकस करो, रूटीन बनाकर रखो, एवरी सिंगल डे फॉलो करो उस रूटीन को, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज आपने घर का खाना खाना है, ठीक है. ट्राई करना है, अगर आपकी मजबूरी नहीं है तो, कि आप घर का खाना खाएं, नॉर्मल घर का बनाकर, और कुकिंग वगैरह में इन्वॉल्व हो जाओ थोड़ा थोड़ा, अच्छे से कुक करो. भले ही जितनी रिसोर्सेज है ना आपके पास, जितना जो जो चीज़ें हैं उसी में कुक करो, लेकिन आप उसमें भी नई नई चीज़ें थोड़ी इन्वेंट कर सकते हो. अपने दिमाग लगाओ थोड़ा कि किस तरीके से मैं कुकिंग करूँ, उसमें थोड़ा खुश होके करो. कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो घर में, बस खुश होके करो, ठीक है. और उससे बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होगा. आई एम टेलिंग यू गाइज कि हमें समझ नहीं आता टिल द टाइम, यू नो, वो टाइम जब निकल जाता है, जब हमारा डिफिकल्ट टाइम चल रहा होता है, वी डोंट रियली रियलाइज दैट कि कुछ कुछ चीज़ें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. बट वंस द टाइम गेट्स ओवर, मतलब हम उस टाइम को पास कर देते हैं, देन वी रियलाइज कि यार ये सारी चीज़ें हमें कितना बेटर फील करा रही थी. सो प्लीज़ फोकस ऑन द थिंग्स जो आपको अच्छा फील कराएं, और उसको थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा करो. कुकिंग अगर है तो कुकिंग थोड़ी ज़्यादा करो, एक टाइम बनाते थे तो दो टाइम बनाओ, है ना. घर को थोड़ा अच्छा रखो, उससे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं. प्लीज़ घर को क्लीन रखने की कोशिश करो, उससे बड़ा ही अच्छा फील होता है. मुझे एटलीस्ट, मुझे पता है जिस दिन घर खराब पड़ा रहता है ऐसे ऐसे, तो उस दिन मुझे बहुत बुरा फील होता है. नॉर्मली भी, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, लेकिन अगर आप अपना सुबह उठते से बेड बनाते हैं, उससे भी बहुत आपको बेटर फील होगा. सुबह उठते से यू विल फील लाइक कि हाँ मैंने अपना डे स्टार्ट कर दिया है इन द राइट डायरेक्शन. उसके बाद जल्दी से उठकर नहाने चले जाओ, अपना ब्रेकफास्ट बनाओ, अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट खाओ, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, फोकस करो. एंड दीज आर ऑल द पॉजिटिव थिंग्स, यू नो, दे विल मेक यू फील वेरी पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड. जब आप सारी चीज़ें मिलकर करेंगे ना, पूरा दिन इन चीज़ों में फोकस करो, एंड आई एम टेलिंग यू कि आपके जो लव्ड वंस हैं, जो आपके साथ रह रहे हैं, बाकी के फैमिली मेम्बर्स, वो भी इंस्पायर होंगे ये सब देखकर कि यू नो हाउ नाइसली यू आर हैंडलिंग दिस सिचुएशन. एंड जब आपके को देखकर लोग इंस्पायर होने लगेंगे ना, तो दे विल ऑल्सो स्टार्ट डूइंग द सेम, एंड यू कैन मे बी चेंज फ्यू मोर लाइव्स, है ना. आप अपने अराउंड भी थोड़ी खुशियाँ बांट सकते हैं थ्रू दिस, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते हो, ये करो, अपने आप को खुश रखो, डेफिनेटली आपको लोग देखकर बाकी के इंस्पायर होंगे और वो भी अपने आप खुश रहेंगे, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज टॉक टू योर लव्ड वंस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये टाइम ऐसा चल रहा है कि आप जिन जिन लोगों को जानते हैं, जिन जिन लोगों से प्यार करते हैं, उनके बारे में थोड़ा न्यूज़ रखें, उनके बारे में थोड़ा पता रखें कि उनकी लाइफ सही चल रही है या नहीं, और उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है. थोड़ी बहुत हेल्प जो आप कर सकें, खाना बनाना या कुछ भेजना, या यू नो किसी भी तरीके की छोटी मोटी हेल्प भी आप कर सकें तो उस वो करें. और अगर आपको बुरा फील होता है तो जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, उनसे बात करो इस बारे में. यू नो व्हाटएवर इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड,
माइंड एंड आपको जिस भी बात से बुरा फील हो रहा है प्लीज़ टॉक टू योर लव्ड वंस, क्योंकि एक बार जब हम बात कर लेते हैं ना किसी भी बारे में तो वो चीज़ बहुत छोटी हो जाती है, अनलेस एंड अनटिल वी टॉक अबाउट इट वो चीज़ बहुत बड़ी लगती है, हमें लगता है यार ये तो हमारे साथ ही चल रहा है, बट ट्रस्ट मी ऑन दैट एवरी वन हैज़ देयर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, सबके पास सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, किसी कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, इट्स ओनली हाउ यू डील विद इट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, बस कैसे आप डील करते हैं उसको, किसी भी चीज़ को इतना बड़ा मत समझो, किसी भी प्रॉब्लम को इतना बड़ा मत समझो कि वो नहीं गुजरेगी, सारी प्रॉब्लम्स टाइम के साथ फिनिश हो जाती हैं एंड यू मूव ऑन इन योर लाइफ, तो ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है हमें, है ना, तो बस अपने लव्ड वन से बात करते रहो, उन्हें प्यार देते रहो, दिस इज़ द टाइम जब आप अपनी वैल्यू उनको फील करा सकते हो, उनकी वैल्यू अपनी लाइफ में फील कर सकते हो, दिस इज़ द टाइम, है ना, क्योंकि हमें कोविड ने बहुत अच्छे से सिखा दिया है दैट हेल्थ शुड बी आर प्रायोरिटी, तो प्लीज़ फोकस ऑन योर हेल्थ, जो भी आपके हेल्थ गोल्स हैं प्लीज़ फोकस ऑन दैट एंड डेफिनेटली आपको बहुत 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 ही अच्छा फील होगा और बहुत जल्दी वी विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, वेरी वेरी सून टुगेदर वी विल डेफिनेटली कम आउट ऑफ दिस बैड टाइम्स एंड द वर्ल्ड विल बी अगेन अ हैप्पी प्लेस, है ना, तो बस मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, इट विल बी अगेन अबाउट फिटनेस लाइफस्टाइल ब्यूटी एनीथिंग या और कुछ भी, अगर आपको चाहिए कोई भी नेक्स्ट वीडियो जो आपको मे बी अच्छा फील कराए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई वुड लव टू टॉक टू यू गाइज लाइक दिस, मैंने लिटरली ये कुछ सोचा भी नहीं था दैट आई विल फिल्म दिस वीडियो, बट आई थॉट ऑफ जस्ट टॉकिंग टू यू गाइज दिल से कि जो भी मेरे दिमाग में भी चल रहा था, दिस इज़ द बेस्ट वे आई कुड जस्ट टॉक, क्योंकि बस ठीक है मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा, ओके बाय गाइज़।